नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका इस डिफेंस सेगमेंट में। और इस डिफेंस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं कल ही DRDO द्वारा टेस्ट किए गए आकाश-IS मिसाइल के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते होंगे और हमने कल ही कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट किया था कि DRDO ने एक नया मिसाइल जिसे आकाश-IS का नाम दिया गया है उसे टेस्ट किया है, सक्सेसफुली टेस्ट किया है। तो इस डिफेंस सेगमेंट में हम जानेंगे कि ये आकाश-IS मिसाइल क्या है, और बहुत से लोग इसे QRSAM मिसाइल बता रहे हैं। तो क्या ये QRSAM मिसाइल है या फिर ये मिसाइल अपने प्रीवियस आकाश वर्जन से किस तरह से डिफरेंट है, और इसमें एक नया सीकर ऐसे बताया जा रहा है कि लगा के टेस्ट किया गया है। वो सीकर कोई और नहीं, एक पल्स डोपलर सीकर है, और इस सीकर के लग जाने से इसका जो कंपेरिजन है और जो एक्यूरेसी है वो IAF के अस्त मिसाइल और QRSAM मिसाइल के बराबर हो चुकी है। तो इस डिफेंस सेगमेंट में आकाश-IS मिसाइल की जो टेक्निकलिटी है उसकी तरफ जाएंगे, उसको थोड़ा नजदीक से देखेंगे कि ये किस तरह से काम करता है, और इसमें नए रडार वाले सीकर के लग जाने से इसकी जो एक्यूरेसी है वो किस तरह से इंप्रूव हो चुकी होगी। तो ये डिफेंस सेगमेंट हल्का सा टेक्निकल जरूर होगा। सो इस डिफेंस सेगमेंट की तरफ बढ़ने से पहले जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है जाके सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं इस डिफेंस सेगमेंट की तरफ। तो सबसे पहले एक स्लिप मेंशन करना चाहूँगा, जो अभी मैंने इससे पहले आकाश-IS मिसाइल के रूप में बता रहा था, एक्चुअली इसका नाम आकाश-IS मिसाइल है। तो बेसिकली जो ये आकाश-IS मिसाइल है ये आकाश का ही प्रारूप है। तो इस वीडियो में जो आकाश के बेसिक फीचर्स हैं उसके बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि उसके बारे में ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो में बात कर चुके हैं कि आकाश मिसाइल क्या क्या करने में सक्षम है। तो ये जो आकाश-IS मिसाइल है इसका जो बेसिक फीचर है वो आकाश मिसाइल के फीचर्स ही होंगे, लेकिन इसमें जो नया सीकर लग गया है और जिसकी वजह से इसकी एक्यूरेसी बढ़ गई है, तो यहाँ पे हम सीकर की बात करेंगे। और इस सीकर के बारे में इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं अपने अदर वीडियोज में। तो ये सीकर एक इंडिजिनस पल्स डोपलर रडार सीकर है, और बेसिकली जो भी ये पल्स डोपलर रडार सीकर्स होते हैं ये अपने टारगेट की रेंज को पता करते हैं पल्स टाइमिंग का यूज़ करके, और इसी दरमियान ये यूज़ करते हैं डोपलर इफेक्ट का। और इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं कि डोपलर इफेक्ट क्या होता है। तो जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, डोपलर इफेक्ट में जो सोर्स होता है जो कि किसी भी पर्टिकुलर वेव को जनरेट कर रहा होता है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, तो उस सोर्स के नज़दीक जो डेंसिटी होती है या फिर जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हायर होती है कंपैरेटिव सोर्स से दूर। अगर आप सोर्स से दूर खड़े हो तो आपके पास उस सोर्स द्वारा जनरेट किया जा रहा है जो भी फ्रीक्वेंसी या फिर साउंड है वो कम डेंस मिलेगी। इसको और अच्छे से समझने के लिए हमें तीन टर्म को समझना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और पिच। तो सबसे पहले आप ये साउंड सुनो, तो अभी जो आप साउंड सुन रहे थे तो इसमें आप देखोगे कि अगर आप एक सेकंड लेते हो तो एक सेकंड ड्यूरेशन में एक पर्टिकुलर बीट का रिपीटिशन एक सेकंड में ज़्यादा टाइम हो रहा है। मतलब इस साउंड में जो फ्रीक्वेंसी है वो हाई है, और इसका मतलब ये है जो वेवलेंथ होगी वो काफ़ी शॉर्ट होगी, और इसका मतलब ये है अगर फ्रीक्वेंसी हाई है तो मतलब पिच भी हाई होगा। तो ये हमारा पहला साउंड है। अब आप इस साउंड को सुनो, ये आप ऑब्जर्व करोगे कि किसी एक सेकंड में जो एक बीट का कंप्लीशन है वो कम दफा हो रहा है, मतलब इस साउंड की वेवलेंथ ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी भी कम है और पिच कम है। तो ठीक इसी तरह नए आकाश-IS मिसाइल में लगाए गए जो सीकर्स होंगे वो पल्स डोपलर रडार का यूज कर रहे होंगे, और जैसे ही ये सीकर्स अपने रडार सिस्टम के थ्रू कोई भी पल्स जनरेट करके टारगेट पे भेजेंगे, अगर टारगेट दूर होगा तो वहां से टकरा के जो भी फ्रीक्वेंसी रडार के पास आ रही होगी तो उस फ्रीक्वेंसी को आने में ज़्यादा टाइम लग रहा होगा, और जैसे जैसे टारगेट नज़दीक आएगा तो आकाश मिसाइल में लगे रडार के सीकर पे जो वेवलेंथ होगी वो काफ़ी डेंस हो जाएगी क्योंकि वो टारगेट नज़दीक आ रहा होगा। तो जैसे जैसे कोई भी टारगेट नज़दीक आता है, हमने डोपलर इफेक्ट के थ्रू बात किया है कि वहाँ पे सोर्स पे जो वेवलेंथ है वो डेंस हो जाती हैं, और जिसका मतलब ये है कि मिसाइल को पता चल जाएगा कि वो टारगेट के बहुत नज़दीक है, तभी सोर्स पे जो वेवलेंथ है और फ्रीक्वेंसी है वो डेंस हो चुकी है, और इस तरह से ये इफेक्टिवली और एक्यूरेटली अपने टारगेट को सर्च करके इम्पैक्ट करने में सक्षम होता है। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, ये जो पल्स डोपलर रडार्स होते हैं ये रडार्स काफ़ी इफेक्टिव होते हैं सिंथेटिक अपर्चर रडार्स में भी। बेसिकली जो भी सिंथेटिक अपर्चर रडार्स होते हैं वो एक पावरफुल रडार्स होते हैं, और उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वही सेम होता है जो भी अभी पल्स डोपलर रडार का है। और इसमें एक्यूरेसी का आप दूसरा रीजन ये भी दे सकते हो कि यहाँ पे जो रेडियो वेव की वेलोसिटी है वो तकरीबन स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, तो इसे भी आप एक रीजन बता सकते हो इसकी एक्यूरेसी का। और यही पल्स डोपलर रडार इंडिया के दूसरे मिसाइल्स जैसे कि अस्त्र और QRSAM मिसाइल्स में लगे हुए हैं, और ये जो अभी आकाश-IS मिसाइल टेस्ट किया गया है ये मिसाइल इंडिया के ही एक सेंट्रलाइज डिफेंस सिस्टम का पार्ट है, और इस सेंट्रलाइज डिफेंस सिस्टम में बहुत सारे कंपोनेंट आर्मी यूज करती है जैसे कि इंटीग्रेटेड सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल, और उसमें ऐड होता है 3D कार, और उसके साथ ही ट्रूप कंट्रोल सेंटर जो कि तकरीबन 4 होते हैं इस सेंट्रलाइज डिफेंस सिस्टम में। सभी सेंट्रलाइज डिफेंस सिस्टम के साथ एक ट्रूप लेवल रडार
ऐड होते हैं जो कि इस सेंट्रलाइज्ड डिफेंस सिस्टम का पार्ट होते हैं, और इसी सेंट्रलाइज्ड डिफेंस सिस्टम में आर्मी द्वारा ऐड किया गया है आकाश आर्मी लॉन्चर, और ये भी तकरीबन 4 की मात्रा में प्रेजेंट होते हैं हर ट्रूप कंट्रोल सिस्टम में। तो ऑल इन ऑल इस वीडियो के कंक्लूजन में हम ये कंक्लूड कर रहे हैं कि जो आकाश अभी 1S मिसाइल टेस्ट किया गया है ये कोई QR सैम मिसाइल नहीं है, ये अपने आप में ही आकाश का ही इम्प्रूव्ड वर्जन है जिसमें एक्यूरेसी पे काम किया गया है और इसकी एक्यूरेसी को और बढ़ाया गया है एक नए और देसी फिगर के साथ। और ये कहीं ना कहीं इंडिया का जो सेंट्रलाइज्ड डिफेंस सिस्टम है जिसके बारे में हमने अभी बात की है कि इस डिफेंस सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट है, तो इन सभी कंपोनेंट का कॉम्बिनेशन आकाश के इस नए वर्जन के साथ कहीं ना कहीं जो इंटरसेप्शन वर्क है उसकी एक्यूरेसी को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। और इसी डिफेंस सेगमेंट में हम बात करेंगे कि IAF के इंटरनल सोर्सेज की माने तो ऐसा बताया जा रहा है कि IAF मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को एक प्रपोजल देने वाली है जिसमें वो 36 और राफेल की डिमांड करेगी, और ऐसा इसलिए हो रहा है कि IAF को कहीं ना कहीं अनुमान है कि 114 राफेल की जो कॉस्ट होगी वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या फिर इंडियन एयरफोर्स को अलॉटेड बजट से कहीं पार न चला जाए, और इसको देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कोई ऐसा फाइटर न चूज़ कर ले जो कि ऑलमोस्ट वही कैपेबिलिटी दे पाए जो राफेल दे रहा है। और इसी चीज़ को देखते हुए इंडियन एयरफोर्स ऐसी प्लानिंग कर रही है जैसा कि स्पेकुलेशंस हैं कि वो 36 और राफेल को प्रोक्योर करने की सोच रही है जो कि MMRCA 2 से अलग होंगे ये डील, और जो भी MMRCA 2 में इन 36 के निकलने के बाद बच जाएंगे वो हो सकता है किसी और फाइटर को दे दिया जाए जिसका प्राइस कंपेरेटिव चीपर हो राफेल से। तो इस नए थॉट प्रोसेस को लेके आप लोगों के क्या थॉट्स हैं कमेंट सेक्शन जरूर बताना। तो इस डिफेंस सेगमेंट में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई है गिव अस लाइक, डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब। जय हिंद।